अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। K21 न्यूज़ पे सिलसिला जारी है और मैचेस का सिलसिला भी जारी है। अब टूर्नामेंट अपने बड़ी तेज़ी से क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और आज जो टीमें मद्दे मुकाबिल हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें हैं जो आमने सामने हैं। दोनों टीमों का अगर मवाजना किया जाए तो ऑन पेपर पाकिस्तान की टीम निस्बतन बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। ज़्यादा तजुर्बेकार खिलाड़ी भी हैं, ज़्यादा क्रिकेटिंग एक्सपोजर की वजह से उनको फेवरेट समझा जा रहा था। और दूसरी तरफ ये कि अगर आप फॉर्म देखें तो कमोबेश दोनों टीमों की फॉर्म हमें एक जैसी ही नज़र आ रही है। बांग्लादेश की टीम भी इस टूर्नामेंट के अंदर स्ट्रगल करती हुई नज़र आई और इसके साथ साथ पाकिस्तान की टीम का भी कुछ हाल ऐसा ही रहा। तो आज ये दोनों समझ लीजिए कि एक तरह से बराबर की टीमें बनकर जो है वो आमने सामने हैं। और स्कोर जैसे बांग्लादेश ने जब पहले बैटिंग की तो यही लग रहा था कि शायद वो 200 रन भी मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान की बॉलिंग जो कि इस वक्त बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है सारे ही बॉलर्स, लेकिन फिर भी आज किसी हद तक बांग्लादेश को उन्होंने महदूद किया और बड़ा स्कोर जो है वो बोर्ड के ऊपर सेट नहीं करने दिया। तो बॉलर्स के हद तक तो एक कामयाबी ज़रूर मिल गई। तो हम अभी देखना बाकी है क्योंकि पाकिस्तान की टीम का हमेशा से एक ये वतीरा रहा है कि स्टार्ट चाहे जैसा भी हो अच्छा हो, बड़े बड़े टोटल करने के बाद भी या 100 रन से ज़्यादा की पार्टनरशिप के बाद भी मैचेस हारने का जो एक रिवायत है वो आपको सिर्फ इसी टीम के अंदर नज़र आएगी। तो बहरहाल इसके ऊपर बात करेंगे और दीगर ख़बरों के हवाले से बात होगी। गुज़िश्ता रोज़ अपने प्रोग्राम्स में काफ़ी बात होती रही कि जनाब चीफ सेलेक्टर के हवाले से या क्रिकेट बोर्ड के जो क्रिकेटिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनके हवाले से और बाकी मानदा कोचेस के हवाले से, कप्तानी के हवाले से तमाम ही पहलुओं का हमने जायज़ा लिया और उसके ऊपर गुफ्तगू की है। यकीनन तनकीद चारों तरफ से हो रही है, मामला इतना आसान नहीं है किसी भी खिलाड़ी के लिए। तो जनाब कल की जो खबर रही प्रोग्राम के दौरान ही इसके ऊपर हमने मुख्तसरन गुफ्तगू की थी कि चीफ सेलेक्टर इंज़माम अलहक जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए और ऐसा होना ही था, आज नहीं तो कल शायद या इस टूर्नामेंट के बाद फैसला तो यही सामने आना था, लेकिन ये ख्याल किया जा रहा है कि थोड़ा सा जल्दी उन्होंने ये फैसला किया और बहुत सारी चीज़ों की वजाहत देना अभी भी बाकी है। और ख़ासतौर पे जो वर्ल्ड कप में शिकस्तें हुई हैं जिसकी वजह से टूर्नामेंट से तकरीबन बाहर हो गए, इसकी वजूहत जानना भी ज़रूरी है। इस मामले पर गुफ्तगू आज की जाएगी प्रोग्राम में। मेरे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, उनको सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा। जनाब वक़ार हुसैन साहब हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं और आज एक दफ़ा फिर उनको हमने यहाँ पे मधुका रखा है, उनको सबसे पहले खुश आमदेद कहूँगा। वक़ार भाई बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे साथ जो मेहमान हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और सगीर अब्बास साहब हमारे इस ट्रांसमिशन में, हम उनको मधु करते रहते हैं, टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमारे साथ रहते हैं। आज एक दफ़ा फिर उनको यहाँ हम दावत दे रखी है। तो सगीर अब्बास साहब को मैं खुश आमदेद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सगीर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सगीर भाई आवाज़ मेरी आपको सही आ रही है? ये थोड़ी सी कट गई थी, अब आ गई। अच्छा अच्छा, चलें सगीर भाई बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैं गुफ्तगू का आगाज़ ज़रा वक़ार भाई से करूँगा। वक़ार भाई, सूरत हाल आपके सामने है और वर्ल्ड कप का मैच है लेकिन वो दिलचस्पी नहीं है जो अमूमन होनी चाहिए या हुआ करती थी। आज का मैच अगर चलें आप जीत भी जाते हैं तो सूरत हाल वैसी ही है। अभी दीगर टीमों को देखना होगा, उनकी परफॉर्मेंस को देखना होगा और ख्याल ये किया जा रहा था कि आज निस्बतन अगर कमज़ोर हरीफ है तो शायद कोई बड़े मार्जिन से विक्ट्री मिल जाएगी, तो अभी देखना बाकी है। फरमाइएगा ज़रा आज के मैच के बारे में। देखिए आज के मैच के अंदर अगर आप बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का पड़ा काफ़ी उनसे भारी, जब शुरू नहीं हुआ था जब भी मैं तो समझता था भारी है जी। और मुझे, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को बड़ी आसानी से मैच जीत जाना चाहिए, लेकिन इस मैच के अंदर पाकिस्तान को एक चीज़ करनी है कि जितने कम ओवर्स में ये रन्स करेगा तो पाकिस्तान को उसका शायद शायद मकसद इसको ऑफ फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो ये जो हमेशा करते हैं इफ एंड बट वाली बात, अगर वो उसको हरा दे, अगर अगर वो बात होगी तो उसमें फ़ायदे के लिए पाकिस्तान को चाहिए कम से कम ये 30-35 ओवर्स के अंदर अंदर ये रन्स कर दे तो पाकिस्तान के एवरेज कुछ ऊपर आ जाएगा। फिर बाकी मैचों पे हम नज़र रखेंगे, उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि क्या होता है। और बाकी तो मैं नहीं समझता कि ये मैच पाकिस्तान को कोई 19-20 भी बड़ा आसानी से जीत जाना चाहिए। जीत जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब तो शायद वो वक्त गुजर चुका है, वो शायद अगर ये पहले कोशिश की जाए। सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान की टीम में फेयर कोई नहीं रहा ना कि मकसद इसका कि भाई अब हमारे साथ ये हो जाए, अब तो वो
फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, और जब पाकिस्तान फेयरलेस क्रिकेट खेलता है तो कुछ बेहतरी करता है हमेशा देखें कभी भी, क्योंकि अब उनके लिए रहा कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है, अब उनकी जीत या हार से फर्क कोई नहीं पड़ रहा, तो फिर वो और आइंदा जो मैच आए उनको आइंदा भी वो क्रिकेट खेलनी चाहिए फेयरलेस, ताकि बस अब उनकी बाकी तो है ही कुछ नहीं, उन्होंने तो वापस आ जाना है, 90% चांस है कि वापस ही आ जाना, बिल्कुल ठीक है, तो फिर वो ठीक है। फेयरलेस क्रिकेट की आपने बात की वकार भाई, ये बड़ा अहम नुकता है, मैं शहीर भाई की तरफ चलता हूँ, शहीर भाई से इस बारे में सवाल करूंगा। शहीर साहब ये फरमाइए कि ये फेयरलेस क्रिकेट जिसकी अभी बात हो रही है, ये आखिरी बार आपने कब किसको खेलते हुए देखा? और यहाँ तो अमूमन होता ही है कि जो हम देखते थे अभी रिसेंट पास में जो आपके क्रिकेटर आजकल तजिया कर रहे हैं टेलीविजन प्रोग्राम्स में, ये भी टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद जो मैचेस खेलते थे वहाँ पे भी कभी इन्होंने फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेली, तो ये इस शेल से कब बाहर निकलेंगे, कब फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे, इसके बारे में चाहूंगा जरा शहीर भाई थोड़ी बात कीजिए। फेयरलेस क्रिकेट जब भी खेलेंगे जब आपके पास दो चार अच्छे प्लेयर होंगे पीछे, जब आपके ओपनर्स को और वन डाउन आपके दो तीन प्लेयर ऐसे जो आपकी टीम में हैं, जो आपकी टीम को चला रहे हैं, जब उनको पता चलेगा कि जी अगर मैं आउट होता भी हूँ तो फिर भी आगे पीछे एक दो हमारे पास हैं जो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, हमारा हम अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो वो भी अच्छा टीम को संभाल सकते हैं। अब दो तीन प्लेयर है उनको पता अगर हम जल्दी आउट हो गए तो फिर होगा कि आगे टीम का जहाँ पे 250-60 रन बनने होते हैं वो भी फिर वो 210-220 पे ही निकल जाएंगे। असल मसला हमारी टीम के साथ यही है फेयरलेस क्रिकेट ना होने का, और हमारे लोग ट्राई भी नहीं करते इस चीज से निकलने के लिए कि आपने ओवरकम कैसे करना है जी। ये सबसे बड़ा मसला है, आप निकल सकते हैं, आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है, फिर सिलेक्शन जब हो पूरे लड़के जो आप प्रॉपर जो जो जिस फॉर्मेट जिस तरह के प्लेयर हैं उसमें सिलेक्ट करें तो ये आपका छोटा मोटा मसला हल हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। हमें तो देखिए किसी ने कुछ करना ही नहीं है ना, ऐसी ऐसी बातें निकल के आ जाती हैं सामने कि आपको उसका रीजन खुद ही मिल जाता है, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती एक्सपर्ट जो भी हम अगर कुछ बात करते हैं, तो फेयरलेस क्रिकेट आप इसलिए नहीं खेल सकते। और आज का मैच जिस तरह आप कह रहे हैं कि फेयरलेस क्रिकेट है वो तो इत्तेफाक से एक दो आउट हो गए, अगर 260 रन होते तो मैं नहीं समझता था ये चांस भी लेते, जीतना ही काफी था इनका, लेकिन आज क्योंकि रन बहुत ज्यादा कम है तो 50 ऑलरेडी हो चुके हैं जी। अगर ये चाहे थोड़ा सा तो तेज खेल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता पाकिस्तान सेमीफाइनल में जो लोग कह रहे हैं कि 10% 20%, मेरा नहीं 0% चांसेस है इंग्लैंड को, और अभी दो मैच इनके बहुत अच्छे बाकी हैं और वो लोग दोनों टीमें एक टीम बड़ी फॉर्म में एक टीम वो भी हमसे भी बुरी है, अगर कहीं उनको हराते हैं उसके बाद, लेकिन रन रेट का भी मसला है, हमारे प्लेयरों का भी मसला आ जाएगा, फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे बड़ी टीमों के खिलाफ, मुश्किल से जीतेंगे अगर जीते भी, तो मैं नहीं समझता जो आपका साउथ अफ्रीका वाला चांस निकल गया वो बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, कहीं अगर वो जीत जाते हैं हमारी गुड लक हो जाती उस वक्त तो फिर हमारा चांसेस जरूर हो जाते, लेकिन अभी मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा कुछ आगे नजर आ रहा है पाकिस्तान टीम को। बिल्कुल ठीक है, ये है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि फेयरलेस क्रिकेट तो ऐसे खेलेंगे जब आपको आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स होंगे, जो कि आपके पास नहीं है वकार भाई, इसके ऊपर तो हम काफ़ी गुफ्तगू कर चुके हैं कि वो क्वालिटी प्लेयर्स हों, फिर ये कि जिस तरह हम लॉबिंग में हमेशा से रहे हैं, इनसे पीछे भी अगर आप देख लें थोड़ा सा लड़के यही कुछ करते रहे, शुएब हफीज़ नाम लेते जाएँ, मिसबा विसबा यही सब कुछ चल रहा था, आफरीदी वगैरह, और उससे पहले अगर चले जाएं तब भी यही कुछ सूरत हाल थी, हर वर्ल्ड कप के अंदर यही कुछ होता रहा, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आप आखिर में इसी तरह खाली हाथ वापस आते हैं, और ये सिलसिला शायद ऐसे ही चलता है। देखिए मैंने आपसे सिर्फ कई मरतबा आपके प्रोग्राम में एक बात करी है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कोई भी टूर्नामेंट या वर्ल्ड कप जीता है वो एज ए चैम्पियन टीम नहीं जीता, और ये हमारी हमेशा से रियायत, वरना दुनिया में जो भी वर्ल्ड कप जीता है वो एज ए वर्ल्ड चैम्पियन के तौर पे इस तरह जीतता हुआ, यानी कि उसने वर्ल्ड कप शुरू किया और फाइनल तक वो बिल्कुल पता ही नहीं चला कि टीम, जैसे अब कोई बैड लक हो तो अलग बात है, वरना इंडिया का कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि वो फाइनल नहीं जीतेंगे, मेरे हिसाब से तो वो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं बिल्कुल, और वो देखिए मैचेस उन्होंने बिल्कुल जीते हैं लगातार। लेकिन आपने जब बात करी कि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत है, ठीक है, हमारे यहाँ सिस्टम की बड़ी खराबी, और वो सिस्टम हम सही करना नहीं चाहते, हम अपने जो रॉ हैंड पे हैं इनको हम तैयार करें, लंबा टाइम है, 3-4 साल 5 साल लगेंगे, लेकिन ये प्लेयर निकला, प्लेयर हमारे पास रॉ टैलेंट बहुत है, बिल्कुल ठीक है, ये तो आपको पता है, बिल्कुल ऐसा ही, तो हम ग्रास रूट से क्रिकेट को अब शुरू करें, हम एक अब हम करते क्या है, ये वर्ल्ड कप से हम आएंगे, हम कहेंगे जी अगला जो वर्ल्ड कप है 4 साल बाद उसकी तैयारी शुरू करें, और जब वो वर्ल्ड कप आता है फिर हम वहीं खड़े होते हैं, कोई तैयारी हमारी नहीं होती। तो बात सारी ये है कि
अब जैसे कल वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया हमारे चीफ चीफ सेलेक्टर सेलेक्टर ने, साहब ने इंतमाम रख इंजमाम लिया में, बिल्कुल इसका मकसद है कि उन्होंने कोई ना कोई उनके दिल में है ना, जी। वरना अगर मैं मुझे कोई कहे कि आपने ये बेईमानी करी है और मैं कहूँ कि नहीं करी, तो मैं अपनी सीट से क्यों हटूंगा, मैं तो बैठा हूँ। बिल्कुल सही आप इंक्वायरी करें, जो भी कुछ करें, अगर साबित हो जाए तो इसका मकसद है कुछ ना कुछ दाल में काला था ना, है, बिल्कुल और ऐसा ही जिसकी वजह से वो बचने उन्होंने की इस्तीफा कोशिश की बचने ही दे उन्होंने। दी, और जो उनके चंद कुलीग्स दोस्त जो उनके साथ क्रिकेट खेले हैं वो उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बहुत जी बड़ा काम किया। मैं कहता हूँ ये उन्होंने बहुत गलत काम किया गलत रिज़ाइन काम किया। करके, उन्हें बैठा रहना चाहिए था। हाँ, रिज़ाइन उनको एक सूरत में करना चाहिए था कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस हार है की इस जिम्मेदारी बिना लेके पर, वो क्या कहते अच्छी हैं जो बात की दुनिया में है होता है कि मैं इस टीम से एज ए चीफ सेलेक्ट, अपना जी, चीफ अपने सेलेक्टर जो ओहदे हूँ से मैं ओहदे से मैं लेता हूँ, इस्तीफा साफ ही देता होता हूँ, क्योंकि हूँ। मैंने जो टीम सेलेक्ट करी थी वो टीम जो है मेरी वो क्या इतनी, अच्छी बात है। इस पे इस्तीफा देना कि मैं कंपनी है या नहीं है ये गलत है, इस पर इस्तीफा दें कि पाकिस्तान की शिकस्त की परफॉर्मेंस पर, जिम्मेदारी मैं शिकस्त की लेता हूँ, क्या जिम्मेदारी। अच्छी बात की है वकार भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं सगीर भाई से भी ज़रा इस बारे में बात कर लूँ। सगीर भाई, ये फरमाइए, अभी यहाँ पर गुफ्तगू हो रही थी कि ये जो चीफ सेलेक्टर साहब हैं और कंट्रोवर्सी की जद में हैं, मतलब सब हैरान थे, यहाँ से चीफ सेलेक्टर जाता है और वहाँ जाके कैंप ज्वाइन कर लेता है, कोच भी परेशान है, सब परेशान है कि चीफ सेलेक्टर का वहाँ पे काम क्या है। इधर कायद अजम ट्रॉफी चल रही थी जिस वक्त ये वहाँ पर थे, यहाँ पर कभी वो नज़र नहीं आए जहाँ उनका काम था, लेकिन वहाँ मौजूद रहे। और फिर उसके बाद ये हुआ कि जब कंट्रोवर्सी सामने आई एक, जो कि काफ़ी अरसे से उसको पॉइंट आउट किया जा रहा था, तो जनाब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये सिलसिला है क्या सगीर भाई, ये तो बताइए कि ये और कहाँ हो रहा है दुनिया में? इंग्लैंड के अंदर भी हमने देखा कि इंग्लैंड की टीम हार रही है, लेकिन ना बोर्ड से कोई इस तरह की खबर आ रही है, ना चीफ सेलेक्टर वहाँ पर हैं, ना कोई इस तरह की बात होती। ये हमारे आखिर क्रिकेट बोर्ड के साथ ये मसला क्या है, ये तो ज़रा फरमाएं। पहले तो ये जो वकार ने बड़ी अच्छी बात बोली है, बहुत इसमें बड़ा वजन है कि भाई आपकी जो टीम की परफॉर्मेंस है आप उस पर आप रिजाइन देते हो, आपको लोग अप्रिशिएट भी करते हैं बिल्कुल और आपकी वाहवाही भी होती है, चलो हमसे गलत हो गया। लेकिन मसला ये तो कभी हुई है हमारे मुल्क में, हुआ ही नहीं जब तक बिल्कुल बिल्कुल निचोड़ नहीं लिया जाता गलतियां कर करके और उल्टी सीधी हरकतें कर। पहले भी आया, पहले भी क्या कारनामा जी किया, थोड़ा जी सा अपने भतीजे भांजे को ले आए, जी मतलब देखे ना, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन हमारे मुल्क में मसला ये है कि अपने आप की इसलाह नहीं करते हम लोग। देखे वो है ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना बिल्कुल जाए, बिल्कुल पहले का रिकॉर्ड भी आप देख लें। अब ये है कि देखें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, बिल्कुल ऐसा वरना ही है। कोई इस तरह दूसरे तरीके से इस्तीफा नहीं देता। बिल्कुल वकार भाई ने हमारे सही बोला है। अब आप कहाँ तक कवर करेंगे, देखें हर हिसाब से देख लें आपके, ये मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा गेम है जिसमें कुछ हमारे जैक अश्रफ साहब भी कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट कुछ ज्यादा ही लग रही है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हुआ क्या है, ये अचानक से जी इतना बड़ा जो हमारे साथ, मतलब हमारे मुल्क के साथ ही खिलवाड़ी है ना भाई। जी हमारा जी मुल्क दुनिया हंस रही होती है और टाइमिंग भी हमारे इतने बुरे होते हैं, जी हमारे अपने बोर्ड हमारे लड़कों को फंसा रहा होता है जी और दूसरे दुनिया का बोर्ड जो अपने लड़कों को बचाता है, जी हमारा ये कि उल्टा ही जरा सा ढूंढ रहे होते हैं, जरा मौका मिले किसी भी प्लेयर के लिए हम उसको उछालें जरा। तो बिल्कुल ऐसा ही है। भाई अपने मुल्क की जब आप कदर नहीं करोगे, अपने मुल्क को बचाने की कोशिश नहीं करोगे, उसके और नीचे गाड़ते रहोगे तो आपको क्या मिलेगा, वही आपका सिलेक्शन में भी आ जाता है, वही आपकी नियतें आ जाती हैं। कोई कौन कौन मुझे बता दें बकौल, आपको भी पता है कि कौन चीफ सिलेक्टर इंडिया जा रहा है, मुझे तो लगता ही है कोई उसी का हिस्सा हो सकता है इनका, कोई वहां पे हो, किसी को खिलाना हो किसी को ना खिलाना हो, जी जो इनकी कंपनी बनी हुई है ये भी हो सकता है। आप कहने में तो हम ये भी लोग कह सकते हैं जी ना, जी बिल्कुल ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। चीफ सिलेक्टर बैठे हुए हैं बोर्ड के पैसों में, बैठे हुए हैं अय्याशियां कर रहे हैं, मजे आ रहे हैं, पता नहीं वहां पे उनका काम क्या है, बिल्कुल ये ऐसा ही बिल्कुल समझ में आने ना समझ में आने वाले। यकीनन जी। अभी भी 40 40 45 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, ये तो पहली पहली बार, बीच में एक आधा और हुआ था ये, अब जिसको देखो और ये इंजमाम हो गए, और बीच में कुछ हमारे वुमेन्स क्रिकेट में भी ऐसा होता है कि चीफ जी सेलेक्टर पहुंचे हुए होते हैं मैच देखने के लिए। जी अरे भाई आपका जो काम है वो करें, आपको इतने बड़े पोस्ट मिली है, इतने लाख करोड़ों रुपए आपको मिल रहे हैं घर बैठे बगैर किसी काम के, जो जी कि आप अपने जूनियर कोचेस से पूछ के करते हो कि भाई इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है इसकी। आपने जाना भी किधर है, आप कराची चले गए मैक्सिमम, जी लाहौर चले गए, बाकी छोटे शहरों में तो कोई जाना पसंद नहीं करता, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है ना। तो आप करोगे क्या, आप तो दूसरों के कहने पे चल रहे हो ना, अपना तो आपका कोई ओपिनियन नहीं है जी ये अच्छा कर रहा है ये कर रहा है। बिल्कुल आपने ये नहीं देखा मैं 200 रन करता हूँ, और जैसे कि हमारे अमूमन पाकिस्तान टीम में भी यही है कि जी अच्छी टीम के खिलाफ आपने 200 रन कर दी वो माने जाएंगे, ना कि आप हल्की टीम के खिलाफ करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर भी डोमेस्टिक में आप किसी हल्की टीम के खिलाफ कर देते हो, 200 रन कर दिए जी, वो परफॉर्मेंस जी हाईएस्ट रन तो उसके है ना, आप उसको सिलेक्ट करें। अरे भाई
आप जाके देखो तो किस सिनेरियो में किस तरह आप स्कोर कर रहे हो, बहुत अच्छी कंडीशन थी। ये थोड़ी कि आपने बस रन देख लिए 700 रन इसके, और जो आपका बेस्ट प्लेयर था जो इत्तेफाक से बहुत अच्छी टीमों के खिलाफ खेला, स्कोर उसने भी किया, उसके थोड़े से कम थे, आपने उसको नहीं। अच्छा, सफीर भाई खता कलामी की माजरत, ये तो आपने कहा ना कि जैसे कि ये देख कर ही वो कर लेते हैं, यहाँ तो अफसोस ये कि उन लड़कों को भी मौका नहीं दे रहा है जिन्होंने 600-700 रन किए हुए। ये तो बड़ी दूर की बात है कि परफॉर्मेंस को एलैबोरेट करें कि किसने किस कंडीशन में किन सर्कमस्टांसेस में जाकर वो किए। वो तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि स्कोर ज़्यादा किसका, और देखने के बाद उसको मुकम्मल नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये सूरत हाल है। अभी मसला यही है, कुछ देर पहले भी बात हो रही थी कि आपकी जो प्लेइंग 11 है उसमें कितने ऐसे लड़के हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर कर आएँ। मेरे ख्याल में चंद एक खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनका जिनका शायद एक्सपोजर हो। शकील के अलावा मैं तो नहीं समझता कोई नहीं है, कोई भी फर्स्ट क्लास नहीं खेला हुआ, खेलता ही कोई नहीं है, कोई नहीं खेलता। ये हमारा मुल्क वाहिद मुल्क है, वरना दुनिया का हर प्लेयर, आपको मैं कई मिसालें बता सकता हूँ ऐसी कि आज टेस्ट मैच खत्म हुआ है और नेक्स्ट डे उसकी काउंटी का या उसके क्लब का मैच हो रहा है और वो वहां से क्लब का मैच खेल रहा है इंग्लैंड के प्लेयर्स। और हमारे यहाँ तो 10 दिन बाद ही मैच है, तो वो कहते हैं यार कौन अपना टाइम है ना भाई, वकार भाई, ये तो अपने प्लेयर का अपना इंटरेस्ट होता है। हम भी खेल सकते हैं, हमारा भी डोमेस्टिक होता है, लेकिन हमारे जमाने में भी जो हमारे बड़े प्लेयर थे वो हमारा कहाँ खेलते थे, कभी पीआईए से कौन कितने ही मैच खेल लिया, आके बैठे रहते थे, बड़ा टेस्ट खेल के आए, वनडे खेल के। सही सही कह रहे हो सगीर, कभी कभी नहीं खेले। मैं अभी की बात नहीं, मैं हमेशा की बात कर रहा हूँ। ये हुआ, ये तो पुराने पुरानों की रीत ही यही आई जा रही है जो की अभी भी उनमें है। हमारे खलीफा बोले या क्या बोले, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, या पीआईए या जो भी है हबीब बैंक आपको पैसे दे रही है सालों साल, आप घर बैठ के खा रहे हो, वो अलग से आपके पैसे जा रहे हैं, बोर्ड से अलग पैसे मिल रहे हैं, हर जगह से अलग मिल रहे हैं। आज जिसके लिए नमक खा रहे हो आप उसके लिए नहीं खेल रहे आके, ये हमारे मुल्क में होता है और किसी मुल्क में नहीं होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल ना करें तो उनको तो बाहर बिठा देते हैं, और रूल्स भी होना भी यही चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही वकार भाई बात है कि डोमेस्टिक तो भी खेलने सगीर ने बड़ी अच्छी बात करी। ये अभी की तो मैंने मिसाल दी है, अभी की बात नहीं है, ये तो आप अगर पिछले 40 साल की क्रिकेट देख लें तो जो भी टेस्ट प्लेइंग प्लेयर था वो कभी भी आके डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता था, चाहे आप किसी का भी नाम ले दें, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक रीच चल चुकी है ना। क्योंकि मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि जब तक आप प्लेयर पावर्स इस मुल्क से खत्म नहीं करेंगे क्रिकेट के अंदर, जब तक आपका सिस्टम सही नहीं। अच्छा, एक खिलाड़ी खता कलामी के, सरफराज अहमद एक ऐसा खिलाड़ी इन बिटवीन ऐसा रहा जो इंटरनेशनल भी खेलना था, और वो देखिए वो अपने शौक की बात है, और वो कीन बहुत है, और जिसी इसकी इसी की वजह थी ना कि अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत भी दी। अल्लाह ताला सब देखे ना, बाबर आजम को मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बाबर आजम की आज जो ये रिजल्ट नजर आ रहा है, बाबर आजम की उसमें नियत भी शामिल है कि उसकी नियत में कितनी खराबी के किसको खिलाना है, अपने दोस्ती यारी निभा रहे हैं, तो अल्लाह ने कहा कि नहीं ऐसा काम नहीं होता, बस चीजों में होता है। सरफराज की नियत हमेशा साफ रही, आज भी खेला, आप देखें बेस्ट प्लेयर ऑफ द कैदम ट्रॉफी का वो हो गया, और माशाल्लाह टीम को जितवा कर भी लेकर आ गया। ये तो अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे, तो हमें चाहिए कि हम अपने जो हमारा माहौल है उसके अंदर रहें, थोड़ा सा तकब्बुर गुरूर से अलग हटके रहें। और जैसे अभी इतनी इतनी बातें आ रही हैं, मैं कहता हूं कि इनको अगले टूर्नामेंट के लिए तो इन सब की छुट्टी कर दी जाए कि जब तक आपके खिलाफ को पूरा फैसला नहीं हो जाता। बहुत खूब, क्योंकि आप नए लड़के खिलाएं, हारना है ना, हारेंगे ना, हारेंगे, लेकिन वो नया लड़का जो आएगा वो पूरी जान से खेलेगा, मेहनत से खेलेगा, अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा, तो वो ज्यादा बेहतर है कि ना कि इनके होते हुए हार ही रहे ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। आज बांग्लादेश मिल गई तो आपने वही अच्छी बॉलिंग, 3 वो आउट कर रहा है, 2 वो आउट कर रहा है, 1 वो आउट कर रहा है, कोई आउट नहीं हो रहे थे। हाँ, यही टीम के आप न्यूजीलैंड, यही टीम के खिलाफ आप साउथ, दूसरी टीमों के खिलाफ अगर आपके प्लेयर आउट करते हैं तो फिर मजा आता है ना, मजा आता है। मैंने कहा ना कि हमेशा पाकिस्तान के जितने बड़े स्टार प्लेयर इस वक्त खेल रहे हैं, हमेशा छोटी टीम के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस है, किसी बड़ी टीम के खिलाफ मुझे इनकी परफॉर्मेंस देख लें। और इसकी मिसाल मैं यूं दूंगा, वक्त से पहले बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं आप सारे एक्सपोज हो जाएंगे, देखें। और सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया जा कौन रहा है, यहाँ तो कप्तान का भी नाम आ रहा है कि वो चाहेगा भी या नहीं चाहेगा, या फिर मैं तो कह रहा हूँ कि कप्तान बाबर आजम को ही होना चाहिए। बिल्कुल उसको ही होना चाहिए, फिर पता चले कि किस तरह की होती है। बिल्कुल प्रेशर में उसको आप देखें, वो बिल्कुल उसके हाथ पैर फूले होते हैं, जहाँ पे बॉलर आउट कर रहे होते हैं वो अपने ऊपर से चढ़े। सही, ऑस्ट्रेलिया के टूर से तो ये हमेशा ऑप्ट आउट करते रहे हैं, आपके जो बड़े बड़े खिलाड़ी आज बड़े बड़े नामवर तजियाकार बने हुए हैं, और इसके ऊपर तजिया कर रहे हैं सहीर भाई, बड़े बड़े आपके खिलाड़ी माजी के ऑस्ट्रेलिया के टूर से नाम वापस ले लेते थे, और इसमें तो माशाल्लाह चंद खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो अभी इंपॉर्टेंट मैच के अंदर से जिन्होंने कहा कि हमारा नाम वापस लिया जाए, किसी ने बुखार का बहाना किया, उसमें मामला कामयाब भी रहे, नाम इसका लेने में कोई मजायका नहीं है। ये वो खिलाड़ी हैं जिससे पहले भी ये कुछ करते रहे। अभी ऑस्ट्रेलिया हमारी तो अब नजरें अगले टूर के ऊपर है ना, वहाँ क्या होगा, वर्ल्ड कप तो आपने तकरीबन गंवा दिया। सगीर भाई क्या कहेंगे इस हवाले से?
देखिए ऑस्ट्रेलिया में वही प्लेयर खेल सकता है जो कि निडर प्लेयर हो, क्योंकि वहां पे गेंद आता है जरा ऊंचा और बाउंस ज्यादा होता है। और हमारे पिछला भी रिकॉर्ड देख लें ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया जाके हमारा रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है जी। इंग्लैंड में तो फिर भी हम खेल लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में फिर भी हमारा रिकॉर्ड, और लोग आप सही कह रहे हैं, कई कई प्लेयर बहाना कर लेते हैं जी मेरे पैर में दर्द है तो मेरे बुखार हो गया सर में दर्द, ये पहले से होता हुआ आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की जब अच्छी तगड़ी बॉलिंग होती थी, अब वो बॉलिंग इनकी नहीं है। अब उस जो पहले इनकी बॉलिंग होती उससे 50% अब बॉलिंग है, लेकिन अभी भी वो इस तरह के बॉलर हैं कि वो अच्छा खासा हिला सकते हैं। देखिए बस यही है, मैं तो आपको भी बोलूंगा बाबर आजम को खेलना चाहिए उनको पूरा, अगर जो हम उसको चाहिए कि हमारा मुंह बंद कराए ना, जो भी एक्सपर्ट बैठे हैं हर कोई तो उसके खिलाफ ही है ना। बिल्कुल सही है, देखिए बुरा प्लेयर वो है, लेकिन वही देखिए नियतें जो अभी आप लोग बात कर रहे हैं, नियतें सामने आती हैं। आपको मैच से पहले आपको ये होता है यार मैं उसको खिलाऊं या उसको खिलाऊं, मैंने हसन अली को कैसे इन करना है, वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, अब उसके लिए वो तरकीबें सोच रहे होते हैं कि मैं उसको क्या किस तरह मैं आपको कवर करूंगा। बिल्कुल ये चीजें आपके जहन में खेल से पहले ही होंगी तो आप अपने भी परफॉर्मेंस खराब कर रहे हो, और जो बेचारा कुछ नहीं कर रहा उसका कसूर नहीं है, वो तो आ गया उसको बुलाएंगे तो 100 कोई भी आपका कोई प्लेयर होगा तो तैयारी में जिसको वो तो आके खेलेगा, बिल्कुल, अपनी कोशिश करेगा, लेकिन वही है ना कि आपका इसका अफेक्ट पड़ता है कप्तानी पे और कप्तान पे। आप कप्तान जब तक, अब जो सरफराज का जो कामयाब होने का बात ही यही है कि वो मेरिट पे खिलाते थे, जो स्कोर कर रहा होता था उसी को खिलाते, 19-20 चले, फेवर इंसान अपने फेवरेट प्लेयर को जरूर दे देता है, लेकिन कोई 15 और 20% वालों को नहीं देता फेवर जी, जी। तो आप फर्क देखें ना, जो देखें दुनिया में ये होता है कि जो टीम फॉर्म में, जो लड़का फॉर्म में है वो उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं कुछ के अलावा, जो आपके बेंच भी होती है वही लड़के होते हैं जो आपके परफॉर्म करते हुए आ रहे होते हैं। अब आप टेस्ट क्रिकेट से मना करो, जो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली आपको 5 दिन का, आपने वहां पे जाके पिटना है, वहां पे आपने बॉलिंग भी आपको हार्ड टाइम मिलेगा, तो ये आप डरपोक की, अगर आप डरपोक की दिखाओगे तो क्रिकेट में डरपोक की कोई जगह नहीं है, वो ज्यादा अच्छा है कि आप क्रिकेट छोड़ के अल्लाह अल्लाह करें जी। अच्छी बात है, बहुत बहुत खूब। अच्छा इसके ऊपर गुफ्तगु जारी रखते हैं, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दीगर मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगु करेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, ये टीम की जो हालिया परफॉर्मेंस है यही मौजूद गुफ्तगू है, और जितने भी आप कमोबेश प्रोग्राम्स इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं उसमें इसी टीम की कारकर्दगी और यही कुछ सवालात हैं जो ज़ेर बहस आ रहे हैं। ये जो इंतहाई नाकिस कारकर्दगी है इसकी ज़िम्मेदारी किसी को लेनी होगी। और अभी जैसे बात हो रही थी कुछ देर पहले, मौजूद मेहमान ने हमारे कहा कि जो चीफ सेलेक्टर मुस्ताफी हुए हैं, होना तो ये चाहिए था कि ज़िम्मेदारी लेते, जिस किस्म की टीम उन्होंने सेलेक्ट की है या नहीं भी की है, जिसने भी की है, कप्तान ने की है या किसी के कहने पे उन्होंने की है, उसकी ज़िम्मेदारी लेते हुए अगर वो इस्तीफ़ा देते तो बात समझ में आती और ये एक बड़ा फ़ैसला इसको समझा जाता। लेकिन यहाँ सूरत हाल कुछ और है, जो मामूली मामलात में जो गड़बड़ है और जो मनपसंद खिलाड़ियों को किसी कंपनी का यहाँ तस्करा हो रहा है, उससे जिन खिलाड़ियों का ताल्लुक है उनको सेलेक्ट करना और फिर उनकी कारकर्दगी, ये वो सारे मामलात हैं जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया जी। वगैरह भाई, अब सफाई में कहने के लिए तो उनके पास कुछ नहीं है शायद, और वो जिस किस्म के बयान तो मैं देख रहा था किसी टीवी चैनल पे, उनको ले भी लिया था तो उन्होंने कहा ये सब झूठ हैं, जिनके पास सबूत हैं वो ले आए, तो उससे पहले भी जो सबूत आते रहे उसके खिलाफ पीसीबी ने क्या किया। देखिए मैं भी कह रहा हूँ कि ये आपकी बात मानता हूँ कि ये झूठ है, आपको बैठे रहना अपनी सीट के ऊपर, ठीक है आप वहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि रिज़ाइन मैं कर रहा हूँ टीम की परफॉर्मेंस की वजह से, पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया आपको अप्रिशिएट करती है, और कई चीफ सेलेक्टर्स ने इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के किया इस तरह जब उनकी टीम की परफॉर्मेंस रही है, एशेज में हारे हो, एशेज में हारे हो, बिल्कुल। तो ये आप बात क्या कर रहे हो कि जी ये अगर ये मुझ पर इल्ज़ाम साबित कर दें, सबूत लाएँ, यार छोड़ दें इन बातों में कि सबूत लाएँ क्या लाएँ, बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि आदमी को अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्या काम है लेकिन कोई चीज़ उसको वजाहत नहीं कर पाता जी। तो बस यही चल रहा है यहाँ पर। अब यासिर मैं आपसे क्या कहूँ कि हमारे मुल्क का निज़ाम मुझे नहीं लगता इस क्रिकेट के हवाले से कभी सही हो पाएगा, क्योंकि ज़का अशरफ का परसों में इंटरव्यू सुन रहा था, वो बड़ी कि जी वो एक राशिद लतीफ़ के बारे में कि मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया, ये नहीं आया। अब या तो राशिद लतीफ इसको साबित करेंगे कि फोन आया नहीं आया, नहीं आया ज़का नहीं, तो उन्होंने सफाई पेश करने के लिए, मैं देख रहा था बाबर आजम का कोई टेक्स्ट मैसेज था व्हाट्सएप मैसेज, वो उन्होंने
जारी कर दिया तो इसका मकसद है कि दिल में चोर है ना, ये तो बड़ी इसका मकसद ये लगता है। आपको देखे ना, मैं एक बात करता हूँ कि मुझ पर या आप पर एक इल्ज़ाम लगता है, अगर वो इल्ज़ाम गलत है आप उसको इग्नोर कर दो वैसे ही, लेकिन मैं जब उसका जवाब देना शुरू करूँगा ना तो इसका मकसद है कुछ बात है। आप कभी भी कोई आपके बात हो आप उसको इग्नोर करो अगर आप समझते हो गलत है। अब आपने इंटरव्यू भी दे दिया, उसका वहाँ से वॉइस वो मैसेज भी आ गया कि नहीं मैंने कोई कॉल नहीं करी, फिर वो कौन वाला साहब है उन्होंने उनका फ़ोन आ गया कि नहीं वो तो यू की ऐसी बात ही नहीं है, और चेयरमैन से कोई, भाई चेयरमैन से क्यों नहीं बात करता कप्तान तुम? आप चेयरमैन वहाँ इंडिया जाकर टीम को लेक्चर दे रहे हो कि मैं मोरल हाई कर रहा हूँ, आपका क्या काम है यार मोरल हाई करने का? टीम क्या बच्चों की टीम है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, क्लब की कोई टीम हो या तुम आपकी अपनी कोई टीम है। सारी जिंदगी दुनिया की क्रिकेट खेले में सारी रन किए में दुनिया के हर बॉलर को खेले उनका मोरल, वो तो मोरल क्या, वो तो बस मैंने कहा ना कि जो भी कुछ है सबके सामने। जी सगीर भाई, ये सूरत हाल है, अब जो क्रिकेटिंग कमेटी के चेयरमैन है, पता नहीं अजीब सा लगता है उनको चेयरमैन कहा जाए या क्या कहा जाए, लेकिन जिम्मेदारी तो चेयरमैन वाली आपने दी है ना, तो वो चेयरमैन साहब जो हैं वो जाते हैं पवेलियन में, लड़कों का हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन हौसला बढ़ाने का नतीजा ही निकला कि आप टूर्नामेंट में जो बड़ी बुरी तरह से आपको नाकामी हुई है और सारे आम मैचेज आपने गंवा दिए हैं, ये सूरत हाल है। जी सगीर भाई क्या कहेंगे? ये फिगर भी होती है इंसान की, एक जरा पर्सनैलिटी भी होती है, लगा अश्रफ साहब की जो भी हैं वैसे अपने कामों में होंगे, लेकिन स्पोर्ट्स में क्रिकेट की मैं नहीं समझता उनके कोई भी कहीं से भी वो फिट होते हैं चेयरमैन के, और काम सुना उनके भाई कर रहे हैं, उनके भाई बेटा कर रहे होते हैं, बेटा कर रहा होता है जी, हाँ बेटे कर रहे होते हैं, तो मतलब मैं तो ये समझता हूँ देख क्रिकेटर बाकायदा तरीके से आना चाहिए, वोटिंग से आना चाहिए, ये नहीं कि गवर्नमेंट जिसको जो गवर्नमेंट आ रही है वो आके देख, क्रिकेट की समझ होनी चाहिए जो भी है, अब वो ज्यादती करे फिर वो अपने मुल्क के और कौम के साथ ज्यादती कर रहा है, लेकिन जो इस तरह के चेयरमैन होते हैं इनको को क्रिकेट के बारे में कुछ पता नहीं, इनको जो ब्रीफिंग देते हैं ना वो भी लोग गलत होते हैं, वही हमारे चेयरमैन को सबको खराब करते हैं, लेकिन ये जो सियासी वाली पोस्ट है ना देखें पैसा उसके पास बहुत है, हमारे चेयरमैन के पास पैसे की उसको कमी नहीं है, लेकिन मशहूरी देखिए मशहूरी बहुत बड़ी चीज होती है, जो ज्यादा पैसों वाले होते हैं उनको अपने नाम की ये क्या उनको पता है अभी क्या पोस्ट आई है, कितने अरसे अभी उन्हें रहना है कि नहीं रहना, लेकिन आपने जबरदस्ती आके चेयरमैन बन गए सिफारिशें लगवा के ये वो, तो ये हमारे मुल्क में जब तक ये सिस्टम खत्म नहीं होगा, देखे एक आदमी मैं हूँ चेयरमैन बनता हूँ कम से कम मुझे हर चीज ठीक करने के लिए एटलीस्ट 6 महीने साल तो चाहिए, 6 महीने में इतनी जल्दी चीजें सही नहीं होती, आप उस कम से कम वो टाइम तो उसका पूरा होने दें, उसके बाद बेशक आप उसको उसकी परफॉर्मेंस पे निकालें नहीं निकालें वो आपकी मर्जी, लेकिन यकीनन जब उसको पता है मैंने 1 साल काम करना है वो हर मेहनत से ही काम करेगा, अगर वो स्पोर्ट्समैन हुआ तो और अच्छा काम करेगा, तो आप किसी के मशवरे जब आपको कुछ पता ही नहीं है जी लेग ब्रेक कैसी होती है ऑफ ब्रेक कैसी होती है आपको किस बॉलर पे ट्रस्ट करना चाहिए, वो जो कप्तान ने जो बोला जो आपके चीफ सिलेक्टर ने बोला बिल्कुल सही है करके आगे भेज दिया, तो ऐसे क्रिकेट नहीं चलते जी, आपको अपने ओपिनियन भी होने चाहिए, चेयरमैन को भी क्रिकेट के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए, उनको किसी को नहीं पता ही, लड़कियों में भी यही है, वो तानिया मलिक साहब है उनको क्रिकेट के बारे में वो जो उनको ब्रीफ कर रहे होते हैं पाकिस्तान की, ये तो वर्ल्ड कप की वजह से और एशिया कप की वजह से ये परफॉर्मेंस लड़कियों की बिल्कुल दब गई जो उन्होंने परफॉर्म किया है, बांग्लादेश बांग्लादेश से हार रहे हैं सगीर, बांग्लादेश की टीम जो हमारे से कभी नहीं जीती, जिसको हम समझते ही नहीं थे तो उनसे भी हार है, ये तो बिल्कुल बात अभी दबी हुई है, कोच कैसे हैं सिलेक्टर कैसे हैं क्या सिलेक्ट हो रहा है तो सब दबा हुआ है, जब सब कुछ खुलेगा तो एक चीज नहीं हर चीज खुलनी चाहिए, हर चीज सामने आनी चाहिए, और बिल्कुल देखे ना मैं हमेशा कहता हूँ अभी ये चेयरमैन गए तो वो दूसरे चेयरमैन भी वही आएंगे जिसको आप 2 साल 4 जो भी आपको टेन्योर पूरा करके नहीं गए थे वो आ जाएंगे या कोई और आ जाएगा, अरे भाई आप नए फ्रेश चेहरे लेकर आओ, नए फ्रेश तो ये म्यूजिकल चेयर ही है, मैं तुमको एक बात तुम्हारी कर दूं कि अगर याद हो एक चेयरमैन हमारे ऐसे आए थे कि टीम हमारी वर्ल्ड कप या कोई ऐसा टूर्नामेंट खेलने जा रही थी, लॉर्ड्स में उस टीम को उतारा गया और उन्होंने लॉर्ड्स के ग्राउंड पे उनके साथ फोटो खिंचवाया अपना, अगर आपको याद हो। जी जी बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ ना तो चेयरमैन जिसके क्योंकि उनके तो शौक है, शौक यही है ना, अच्छा मैं जरा ये वकार भाई से जरा इस बारे में बात करूं, जैसे सहीर भाई ने अभी कहा क्रिकेट को जो समझता हो, मेरा ख्याल है मुझे जो मायूसी रमीज राजा के दौर में हुई जब उनको चेयरमैन बनाया गया, हमें बड़ी उम्मीदें थी, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एक प्राइम मिनिस्टर मुल्क के लगाए गए तो वो खुद क्रिकेट के खिलाड़ी थे और हमने ये समझा कि चलें बाकी कामों को तो वो कैसे करेंगे ये तो हमें नहीं पता था, लेकिन कम से कम क्रिकेट तो सही हो जाएगी,
लेकिन उन्होंने क्रिकेट का वो हाल किया जो शायद दुनिया में किसी शख्स ने, किसी भी इदारे ने, कभी भी किसी सरबरा ने अपने मुल्क के साथ नहीं किया होगा। तो फिर ये कैसे मैं कहूँ कि थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपकी बात से कहे क्रिकेटर का होना चेयरमैन या बोर्ड का सरबरा होना मैं नहीं समझता कितना ज़रूरी है। ठीक है, बल्कि सबसे अच्छा अगर किसी ने बोर्ड चलाया तो वो नूर खान ने चलाया, अगर आपको याद हो, बिल्कुल, क्योंकि उसने अपनी अथॉरिटी वहाँ कायम की। अगर आपको याद हो कि जब मियादाद के खिलाफ सारे सीनियर प्लेयर्स ने रिवॉल्ट कर दिया था जी, तो उसने कहा था कि मैं पूरी टीम खत्म करके नई टीम बना दूंगा, लेकिन मियादाद को, जावेद मियादाद को कप्तानी से नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा। और उसके दौर में आपकी टीम देखें कि हर आदमी बिल्कुल सीधा रहता था और अपने काम से काम रखता था, और मियाँ वो तो जावेद मियादाद का बड़ापन था कि उन्होंने उसको खुद विड्रॉ हुए और उन्होंने फिर इमरान खान के बारे में बताया कि उसको कप्तान बनाया जाए, तो वो कप्तान बना। तो ये नहीं, आदमी को एक डिसीजन पावर होनी चाहिए, इन प्लेयरों की पावर खत्म करनी चाहिए, जो नूर खान के दौर में मैंने देखा कि पावर थोड़ी सी प्लेयरों के पास नहीं थी, चाहे वो कितना बड़ा प्लेयर था अपने हाथ में। ये आप दुनिया के देख लें, इंडिया तक में देख लें कि वहाँ प्लेयर्स की नहीं सुनी जाती इतनी, कोई भी नहीं सुनता, बिल्कुल ऐसा ही है, बड़े बड़े मुल्कों के अंदर ऐसा होता है। जी सही, प्लेयर की परफॉर्मेंस होती थी, बड़े प्लेयर होते थे, उनको अपनी जगह पता होती थी, तो इसलिए जो भी उसका चेयरमैन था वो कामयाबी होता था। नूर खान का तो बहुत बड़ा हाथ है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिर भी अपोज करूंगा। मेरे ख्याल में रबीज का टेन्योर जो था इतना बुरा नहीं था, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा था। हाँ, एक डिसीजन बहुत गंदा हुआ जो कि कईयों की नौकरियां चली गई, जो डिपार्टमेंट बंद हो गए थे। इसके अलावा जो भी क्रिकेट का देखिए, पैसे भी उस वक्त बढ़े, पेंशन भी बढ़ी लोगों नहीं सगीर भाई, ये मैं सॉरी आपसे थोड़ा सा वो कर रहा हूँ कि वो आपने हार्ड लाइन तो काट दी ना, आपने ऑक्सीजन का पाइप तो काट दिया था, अब वो तनख्वाहें बढ़ाना, ये वो क्यों बढ़ाई जा रही थी, ये तो सबको पता था कि वो क्यों बढ़ाई जा रही हैं और इसकी वजह क्या थी, वो किन लोगों को खुश करना चाह रहे थे और क्या कर रहे थे, ये तो सबसे बड़ा डैमेज था। तो आपने क्लब क्रिकेट बंद कर दी, आज तो डिपार्टमेंट तैयार नहीं है बात सुनने के लिए। आप क्रिकेट चार साल कराची पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट नहीं हुई है, चार साल नहीं हुई है, बिल्कुल क्रिकेट क्लब क्रिकेट ही की वजह से। सिंध की टीम आपने एक कर दी, कराची के अंदर से पहले दो टीमें होती थी, आपने टीम खत्म कर दी, वहां पे चार चार टीमें बन गई, यहाँ पर कोई पूछने वाला ही नहीं था, हो क्या रहा है, किसी के पास जवाब नहीं था। सरफराज कप्तान था, उन्होंने किस तरह उसको सेट असाइड किया, वो भी उन्हीं के जिम्मे है, उसका भी आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्या कर किया सरफराज का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है, वो उस वक्त से पीछे पड़े रहते थे। और बल्कि आपको याद होगा, उनसे जब सवाल आज भी किया जाता है, वो इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं, और कभी वो कहते हैं कि कभी इस बारे में सवाल ना करो, कमेंट्री में नुक्ताचीनी करते थे बोर्ड में आके। अच्छा, एरोगेंट बहुत हो गए थे, बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए थे, किसी भी साफी को कोई सवाल का सही जवाब नहीं, बल्कि टीवी पे बैठ के उन्होंने साफियों को ये कहा कि इनको हम ओब्लाइज नहीं करते तो ये हमारे खिलाफ बोलते हैं, उन्होंने नाम लेके नाम लेकर कहा है उन्होंने, ये कुछ होता रहा, ये क्रिकेट के चेयरमैन थे आपके। जी सहीर भाई, जी देखिए, आप दोनों की फिर भी जो मैं क्रिकेट की उसमें बात करूंगा, देखिए उनका रवैया कैसा था, किसी से ये क्रिकेट में नहीं आता, ठीक है ना, किसी को क्या जवाब दे रहे हैं, किसी को क्या, वो उसका नहीं, लेकिन ऐसे क्रिकेट इंप्रूव होनी शुरू हो रही थी, अभी तो स्टार्टिंग ही थी ना, बिल्कुल फॉर्मेट चेंज हो गया ना, एक उसमें थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, फिर मैं बोलूंगा डिपार्टमेंट जो, लेकिन डिपार्टमेंट की क्रिकेट होनी चाहिए थी, उसके साथ ये जो सिस्टम में नया लेकर आए थे वो भी चल सकता था, लेकिन आपको देखें डिपार्टमेंट को एक वनडे दे देते, एक अपना फोर डे फर्स्ट क्लास दे देते, आपके डिपार्टमेंट जरूरी था, और अभी भी आप देखें डिपार्टमेंट आप कितनी खुल ही नहीं सक रहे, क्योंकि दोबारा से लड़कों को लेना, वो देखें हमारा पीआईए की मिसाल ले लें, पीआईए का एम्प्लॉय हूँ, हमने बहुत कोशिश की, हमारे पास फंड ही नहीं है। अब वो वाली जमाना नहीं रहा कि 20-25 हजार रुपए में एक अच्छा प्लेयर आपको मिलेगा, अब तो 1-1.5 लाख-2 लाख की बात होती है। अब पहले हमारे जमाने में तो सस्ती टीम बन जाती थी, हमें खेलने का खुद शौक था, मोहब्बत थी क्रिकेट से, अब लोगों को मोहब्बत क्रिकेट से नहीं पैसों से भी ज्यादा हो गई है, पहले वो फाइनेंशियली देखते हैं कि जी हमें क्या चाहिए, क्या मिल रहा है, उसके बाद ही वो जाते हैं। पहले तो आपको पता है सारी टीमें जो अभी तक की वो तो 6-6 सैलरियां थी, लेकिन ये था कि लड़कों को भी बहुत शौक था क्रिकेट खेलने का, उनको जुनून था खेलने का, तभी वो उनको नौकरी भी अच्छी मिलती थी जब वो अच्छा खेलते थे। हाँ, ये नुकसान के अलावा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मैं फिर बोलूंगा जो भी है फॉर्मेट बहुत अच्छा स्टार्ट हो गया था, और लड़के आपके देखें उसमें 2-4 लड़के आपके निकले भी हैं। अच्छा, ये जो सही भाई, ये फॉर्मेट फॉर्मेट का ही मामला, सारा फॉर्मेट का ही तो है। अब इसका जवाब तो आज तक किसी ने नहीं दिया कि आपने ऑस्ट्रेलिया का फॉर्मेट पाकिस्तान के ऊपर छाप दिया, और वो भी ऐसे मुल्क के ऊपर जहाँ से आप फॉर्मूला लेकर आए थे, वो 2.5 करोड़ लोगों का मुल्क है। बोलेंगे वो तो आपको करना ही पड़ेगा ना। नहीं तो सहीर भाई देखे ना, आप अलमिया तो यही है कि अगर आपको, अगर
प्राइम मिनिस्टर जो गाइडलाइन दे रहा है उसने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैंने सरफराज को कहा हटा दो, बाबर को कप्तान बना दो, आपने उसको बना दिया, आपने क्या उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट किया? क्योंकि आपकी अपनी जो ख्वाहिश थी वो भी यही थी कि सरफराज को सेट असाइड किया जाए। तो ये सब कुछ होता रहा, डिपार्टमेंट की क्रिकेट बंद कर देना कोई वो था जो 83 से लेकर वो उसको अपोज करते रहे, वो उन्होंने एक चुटकी में इम्प्लीमेंट किया, आधे से ज्यादा लोग बंद हो गए यहाँ पर, लड़कों के डिपार्टमेंट चले गए, लोगों का क्या क्या नहीं हुआ, किस किस की बात करें? क्या सारे अपने देखे ना, यहाँ सबसे बड़ी खराबी है, चाहे वो रमीज राजा हो या जका अशरफ हो या अपने शेट्टी साहब हो, जब कोई आता है वो अपनी एक टीम लेकर आ जाता है, वही रमीज राजा ने किया। अब आप ये देखें कि मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि कराची के लिए शाहिद महबूब को लंदन से बुलाया गया, मैं तो आज तक नहीं समझ पाया कि उन्होंने एक डेढ़ साल उनको हो गया कि उन्होंने यहाँ पर एज ए पत्नी एक डायरेक्टर एकेडमी के एक क्या है वो, उन्होंने क्या काम किया अभी तक, मैं तो अभी तक समझ नहीं पाया कि उन्होंने यहाँ पर कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट लाए, कोई ऐसी चीज़ अपनी तरफ से लेकर आए कि अंडर 16, अंडर 19, अंडर 14 का कोई कैंप लगाया उन्होंने, नथिंग। तो ये मकसद किस लिए, मैं तो आज तक हैरान हूँ कि काम दिया ही नहीं गया ना उनका, तो सिर्फ डेवलपमेंट है, विकेटों को टेक ओवर करना, ये देखना वो देखना, अपने कमरे उसका काम ही नहीं था, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था गलती अपनी। एग्जैक्टली, देखो ना बात मेरा कहने का ये है कि जब हम किसी को लाते हैं तो उससे काम तो लेना, बिल्कुल हमने काम लेना है कि किस तरह हमने एक प्रोग्राम, उससे हमें प्रोग्राम चाहिए कि हमें तुम पूरे साल का 6 महीने का एक प्रोग्राम दो कि मैंने 6 महीने में अकेडमी में ये काम करना है। बिल्कुल हमारे यहाँ तो बस ये मैं बहरहाल सगीर है ना भाई, देखे जो मलेशिया उसको हमने बिल्कुल 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 सही कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात से डिसएग्री, क्रिकेटर आना चाहिए लेकिन क्रिकेटर को ना किसी और को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, जैसे वो इमरान खान की इंस्ट्रक्शन ले रहे थे जो वो। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा खैर अफसोसनाक वो था। बहरहाल सगीर भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया वकार भाई, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अभी बड़ा आम मामला है, देखिए ये बातें इसलिए बार बार की जाती हैं, ये जो आज क्रिकेट का हाल है ना, गो कि अभी तो आप स्कोरबोर्ड देखकर नहीं वो कर सकते कि ये हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये जो परफॉर्मेंस का जो टाइम था वो हमने गुजार दिया है, तो ये आप याद रखिए। मैच अभी जारी है, नतीजा जो भी इसका निकले, इम्कानात ये हैं कि शायद पाकिस्तान इसको मैच को जीत जाएगी, पछताए क्या हो जब चिड़िया चाहिए यही है इसके लिए बिल्कुल मुनासिब बात। तो इंशाल्लाह कल जब हाजिर होंगे तो इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू की जाएगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।